नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश भर में उत्साह और उमंग से बना 72वां गणतंत्र दिवस, राजपथ पर दिखी विभिन्नता में एकता की झलक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही, राजस्थान में इनकी नहीं चली। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में जमकर हिंसा, लाल किले पर फहराया झंडा, किसान नेताओं ने झाड़ा पल्ला, कई जगह इंटरनेट बंद। नागौर में सामूहिक दुष्कर्म मामले पर गरमाई सियासत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद उन्होंने राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने राजपथ पर पहुंचकर झंडा फहराया। राजपथ पर भारत ने परेड के जरिए दुनिया को अपनी शक्ति की झलक दिखाई। अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए विभिन्नता में एकता की झलक दिखी। भारतीय सेना की तरफ से कैप्टन प्रीति चौधरी अकेली ऐसी अधिकारी रही जिन्होंने इस साल परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने राजपथ पर मार्च किया। वहीं आसमान में राफेल लड़ाकू विमान की गर्जना से परेड की समाप्ति हुई। 72वां गणतंत्र दिवस प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया। इसके साथ ही राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी भी मौजूद रहे। राज्यपाल को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। पुलिस जवानों ने मोटरसाइकिल शो और घुड़सवारी शो के जरिए करतब दिखाए। कार्यक्रम पर कोरोना का असर साफ नजर आया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार उत्कृष्ट काम करने वाले अफसर, कर्मचारियों और सामाजिक क्षेत्र के लोगों का सम्मान कार्यक्रम नहीं रखा गया। कांग्रेस सेवा दल की ओर से बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया गया। राष्ट्रीय पर्व पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रजा मंडल आंदोलन के समय से चली आ रही परंपरा निभाते हुए तिरंगा फहराती है। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बड़ी चौपड़ की खासी अहमियत है। जयपुर विकास का साक्षी बना रहा तो साथ ही परंपराओं को भी कायम रखा जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर सालों पुरानी चली आ रही परंपरा निभाते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराया। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी चौपड़ पर आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण किया। समारोह में सीएम गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके